पंजाब वियर क्या है, और हुरु को तो हम ऐसे ही उठा के ले आए हैं, है ना हुरु? तो हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर और हमारे साथ आप इस फोर्ट का मजा लीजिए। इसका नाम है तिजारा फोर्ट। ये यहाँ हमको वेलकम ड्रिंक सर्व किया गया। पहले तो मैंने ले ली पर वो बहुत बुरी थी और मैं मना भी नहीं कर पाई, मुझे पीनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे। फिर मैंने चोरी से वो फेंक दी यहाँ पे। No, butterfly. हमारा रूम, और हमारा रूम आप देखिए, छोटा सा खूबसूरत सा, सब कुछ था यहाँ पे जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें थीं, और बहुत ही सुकून मिला यहाँ आकर। मैं तो दोबारा फिर से आना चाहूँगी यहाँ पर, बहुत ही सुकून मिला। हुरैन रेडी हो गई थी स्विमिंग करने के लिए। इवन इनको स्विमिंग आती नहीं है बट इनको स्विमिंग पूल में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये दोनों जा रहे थे वहाँ पर। और मैं थकी हुई थी तो मैं आराम कर रही थी, माजी मुझसे यहाँ पर कह रहे थे कि आप भी आ जाओ। तो यहाँ पर दोनों चले गए हैं स्विमिंग के लिए, ये नज़र आ रहे हैं। और मैं सबसे टॉप पे हमारे रूम के बाहर का एरिया था, थोड़ा सा आगे चल के यहाँ से हम तिजारा फोर्ट का पूरा व्यू देख सकते हैं। माशाल्लाह से इतना खूबसूरत नज़ारा था, और सोने पे सुहागा, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, अदरवाइज धूप में नहीं रहा जाता यहाँ पर। देखो दोनों कितना इंजॉय कर रहे हैं, और हुरु को तो स्विमिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
लगभग कोई नहीं रहता है यहाँ पे। ये एक पहाड़ी पर है ये फोर्ट। अभी तो बहुत ज्यादा जगह है। यहाँ पर कह रहे थे कि गिर मत जाना, थोड़ा पीछे हो जाओ, बट मैं पीछे ही थी, इसमें ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा आगे खड़ी हूँ। ये दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसलिए मैं नहीं गई स्विमिंग करने के लिए, मुझे स्विमिंग आती नहीं है। और यहाँ पर आप फिर से देखिए तिजारा फोर्ट। फोर्ट इतना बड़ा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, मैंने इसको स्पीड बढ़ा बढ़ा के दिखाया है, अदरवाइज़ वीडियोस तो बहुत सारी थी। और यहाँ पर हो चुका था टी टाइम, 5 बजे से टी टाइम शुरू हो जाता है, स्नैक्स वगैरह थे यहाँ पर, हमने बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट वगैरह किए इवनिंग में, और फिर हमने चाय पी, बहुत मज़े आए। मैं तो कहना चाहूँगी अगर एक दो दिन के लिए आपके पास ऑफ है तो आप, पास में ही है बिल्कुल, गुड़गांव से 2 घंटे का ट्रिप है तिजारा फोर्ट का, और इन्जॉय कीजिए जाकर। ये था हमारा टी टाइम, सैंडविच, समोसा, कुकीज़ और चाय, चाय के साथ कॉफ़ी भी थी, आप जो चाहे ले सकते हैं। और ये फोर्ट का दूसरा पार्ट था जहाँ रानियाँ रहती थीं, इधर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। महल बहुत ज़्यादा सुंदर था, रूम के अंदर हम जा सकते थे बट वहाँ पे फोटोज़ अलाउड नहीं थे, मैं गई थी। फर्नीचर वगैरह भी ये सब हिस्टोरिकल ही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निदामाजी दिल्ली व्लॉग। आज हम आए हैं राजस्थान, और राजस्थान में आए हैं हम तिजराना फोर्ट, और मेरे इस व्लॉग में आपको तिजराना फोर्ट पूरा नज़र आने वाला है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा। और अभी हम आए हैं जिस एरिया में डिनर होगा हमारा, बहुत ही खूबसूरत है। एक बार मैं निमराना गई थी, इट्स लुक लाइक सेम सेम, बट महल है तो जाहिर सी बात अच्छे ही होंगे। ज़्यादा मैं जानकारी नहीं दूंगी ये क्या है, ये क्या है, मेरी भांजी ने बोला था कि आप अपने ब्लॉग में एक्सप्लेन क्यों करती हो, तो मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लेन ना ही करूँ, आप खुद देख लें और समझ जाए कि ये क्या चीज़ है। आज मैं नहीं बताऊंगी ये क्या है। बट हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगी, इफ़ यू हैव 1 day and 2 days ऑफ तो आप यहाँ आके अपनी फैमिली के साथ आसानी से वक्त बिता सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और लक बाय चांस हुआ ये कि मुझे आज का मौसम बहुत अच्छा मिल गया, अदरवाइज़ यहाँ बहुत ज़्यादा धूप होती है राजस्थान वैसे ही है, बट इस टाइम इस वक्त इतना अच्छा मौसम है, मतलब मुझे सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा मौसम है। शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इंशाल्लाह। अब जल्दी जल्दी वीडियो आया करेंगी, किसी वजह से नहीं आई थी, मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, इंशाल्लाह अब शूट किया करूँगी, और आप मुझे प्यार दीजिए तभी तो मैं वीडियो बनाऊँगी। ओके चलो, तो मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। मेरा एक एक सूट बने 2.5 लाख का, 2.5 लाख वाले ले ले गई तू। आई नो मेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा आपको अपना पूरा लुक दिखा दूँ। मैंने वेस्टर्न वेयर इसलिए नहीं किया, यहाँ पे थोड़ा हिस्टोरिकल टाइप है, तो मैंने सोचा अपने उस एथनिक पहन लूँ, ये रखे रह जाते हैं फिर पहने ही नहीं जाते। अभी हम जा रहे हैं डिनर के लिए रेडी होने, अभी मैं टी टाइम के लिए रेडी हुई थी। दरअसल मैं अपने इतने सारे कपड़े लाई हूँ, तो मैं अपने कपड़े का तो देखो फ़ायदा उठाऊँगी अब जब मैं लेकर आई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ रेडी होने डिनर के लिए। ये आउटफिट था मेरा लंच और टी टाइम के लिए, वैसे टी टाइम का अलग था, मुझे वक्त नहीं मिल पाया,
मैं नहीं चेंज कर पाई, अब मैं डिनर के लिए रेडी होती हूँ। मैंने सिर्फ यहाँ क्या करना है, कपड़े चेंज करने हैं, रील बनानी है और वीडियो शूट करनी है और अपना ब्लॉग शूट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और मैं बहुत सारे एथनिक रख लाई हूँ। मेरा मेन मकसद यही था आने का कि मैं वीडियो शूट करूं और अपना ब्लॉग क्रिएट करूं। और मेरी भांजी की स्पेशल फरमाइश थी कि इस बार आप डबिंग नहीं करेंगी पीछे से, आप लाइव बोलेंगी। मैंने कहा ओके आई विल ट्राई। बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं। में कुछ इस तरीके से लगता है तिजारा फोर्ट। ये इतना बड़ा है, मैं तो एक दिन में पूरा नहीं घूम पाई हूँ। बहुत सुंदर है ये। हुरेन के डैडी और हुरेन जा रहे हैं। हेलो माजिद, हेलो हाय। अभी मैं लेकर आई हूँ इडली सांभर, ये मेरी फेवरेट है, इसके बाद में और लेकर आऊँगी। पहले मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। और ये कुछ इस तरीके से मैं ये तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि ये लंच एरिया है, डिनर एरिया है और टी टाइम वाला एरिया अलग है, सॉरी और डिनर टाइम वाला एरिया अलग है और ये हमारा ब्रेकफास्ट वाला एरिया था। तो यहाँ हम आए थे लास्ट टाइम स्विमिंग करने, मैंने भी की थी, इवन मुझे आती नहीं है, मतलब वही नहाए थे और फिर हमारा तिजारा फोर्ट तो ख़त्म हो गया। और रास्ते में हम रुके गुरुग्राम साइबर हब में, हमने एंजॉय किया। हम खुशी खुशी एंटर तो करते हैं बट जाते टाइम रूर हमें रुला के ले जाती है, वो इतनी ज़िद्दी है कि हर जगह हमें परेशान कर देती है। फिर नेक्स्ट डे हम गए नोएडा, नोएडा में हमें कुछ काम था तो ये ओपन मॉल था, मुझे डिफरेंट लगा तो मैंने सोचा आपके लिए भी शूट कर लूं। मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, मुझे कैटवॉक पे ऑफर चल रहे थे वो नज़र आ गए और मैंने एक हील मुझे पसंद आई वो मैंने ले ली और वो हील थी ये वाली, ये आई है 1700 समथिंग। और फिर मैंने थोड़ा सा समर कलेक्शन मुझे नज़र आया, यहाँ पे भी ऑफ चल रहा था, मैंने वो भी ले लिया। जब मैं कपड़े देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता और मैंने दो तीन कुर्ते ले लिए। और फिर हम घूमने के बाद हम नानी के घर पहुँच गए और हूर ने नानी के घर जाके बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।